दोस्तों YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे पेड़ के फल के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है। इसकी वजह क्या है, उसमें जो उसके फल में है वो शर्करा और लिक्विड जो द्रव्य हैं उसमें काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे वो हमारे पाचन तंत्र पे काफी इफेक्टिव हैं। और अब हम बात उसी की करने जा रहे हैं। उसको कहते हैं हमारे यहाँ अमलतास, कैसिया फ्रस्टुला नाम है अंग्रेजी में इसका। और ये बड़ा पेड़ भी होता है और छोटा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 15 से 20 फीट का देखने में आता है और इसमें पीले रंग के फूल लगे होते हैं। और जब ये फूल आते हैं तो पत्ते बिल्कुल गायब से हो जाते हैं, पूरा पेड़ ऐसा लगता है कि फूल से लद गया हो और स्वर्ण जैसा दिखाई देता है, इतना पीला फूल होता है इसका। इसकी छाल भी उपयोगी रहती है, इसके पत्ते भी उपयोगी होते हैं और इसके फल भी उपयोगी होते हैं। अब हम बात करते हैं फल की। तो इसको जो अमलतास की फली लंबी सी आती है और उसमें अंदर एक तरह की पतली पतली पत्तियां होती हैं, पत्तीनुमा होती हैं, उन्हीं में एक काले कलर का पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक है। उसका अगर लेप पीस के लेप बनाया जाए और जोड़ों में, जैसे आम बात है, गठिया है, संधिवात है, इन चीजों में अगर वो लगाया जाए जोड़ों में, तो जो उसका दर्द है, उसका जो खिंचाव है, उसकी सूजन है, उसको ये कम कर देता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, चलने फिरने में आराम हो जाता है और जो दर्द है वो धीरे 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 कम होने लगता है। अगर इसको कम से कम 10 ग्राम लें शाम को और पानी में इसको उबालें, 1 गिलास पानी में, और आधा गिलास जब पानी रह जाए तो उसको छान लें, इसको पिए। तो दोनों समय भी पी सकते हैं, लेकिन शाम के समय पीना अति उत्तम रहता है। दिन में भी इसको, अगर आप छुट्टी वगैरह में हो तो कभी कभी ऐसा होता है इसके पीने से हमारा प्रेशर बन जाता है, 1 से 2 बार हो जाता है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन 5 से 10 ग्राम रखें, ml तो 100 से 200 ml तक हो सकता है। जब आप इसको लेते हैं तो ये हमारी आंत की मूवमेंट को तेज कर देता है। हमारे अंदर जो एसिडिटी पदार्थ हैं, जो गंदे पदार्थ हैं जिससे हमारे जलन बन रही थी, गैस बन रही थी, उन सारी चीजों को नीचे ले आता है। आंत में अगर मल जमा है उसको वो निकाल देता है, आपकी जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको निकाल देता है, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ लगता है। तीसरा इसमें और फायदा है कि ये हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें 60% शुगर पाई जाती है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत मजबूत होती है। जो इसकी अनियमित जिन्हों में परेशानी है, हार्ट बीट बढ़ जाती है या कम हो जाती है, धमनियां हैं यानी आप जिसमें खून बहता है, आप हिंदी में समझिए, उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हार्ट में बहुत कम दवाइयां हैं जो काम करती हैं, और जिनको अरुचि है, खाने में अच्छा नहीं चलती है, उसको भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और एक इसके फूल में एक बहुत ही अच्छा गुण पाया जाता है, अगर इसके फूल को तोड़ लें और तोड़ने के बाद इसका अवलेह रूप में, मतलब चीनी में जब मिला देते हैं तो वो काफी समय तक अच्छी तरह से रखा अवलेह नुमा बन जाता है और उसको आप खाते हैं तो उसमें जो लोग
शुष्क सांस से परेशान, बहुत सांस के मरीज होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, तो कफ नहीं निकलता साहब, यही दिक्कत आती है। तो कफ आसानी से निकल जाता है इसमें, और ये बल और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसका फूल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी कफ को पतला कर देगा, ये इसमें बहुत बड़ा एक फायदा है। तो इन चीजों को अगर मतलब आप यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं और इन रोगों में बहुत अच्छा काम करती हैं।